हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो आइए अपन लोग सबसे पहले देखते हैं कि नाइट्रेशन में होता क्या है। व्हाट इज नाइट्रेशन? तो देखिए, ये है, दिस इज बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के इस पर्टिकुलर कार्बन पे एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इस हाइड्रोजन एटम के प्लेस में यहाँ पे NO2 ग्रुप, जिसको हम नाइट्रो ग्रुप भी बोलते हैं, इसके सब्स्टिट्यूशन को नाइट्रेशन बोला जाता है। यानी नाइट्रेशन इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। अब NO2 ग्रुप लगाने के लिए हमें कोई नाइट्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा। वो नाइट्रेटिंग एजेंट कई तरीके का हो सकता है। सबसे कॉमन नाइट्रेटिंग एजेंट जो हम यूज़ करते हैं वो होता है मिक्स्ड एसिड। मिक्स्ड एसिड के अंदर क्या होता है, दो एसिड्स को अपन लोग मिक्स करते हैं जिससे हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और साथ में इसके साथ मिक्स किया है H2SO4। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा। ये स्ट्रक्चर हमने देखा, ये स्ट्रक्चर होता है नाइट्रिक एसिड का और ये स्ट्रक्चर होता है H2SO4 का। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। ये एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है ना। तो ये एसिड जो होगा अपने H+ को लूज़ करेगा, और अगर ये अपने इस H+ को लूज़ करेगा तो ये NO2 का ऑक्सीजन उस H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो होगा क्या, HNO3 का ऑक्सीजन इस H को इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे O में और H के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा। OH में अगर एक नया बॉन्ड बनेगा तो ये पुराना बॉन्ड ब्रेक होके O पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जब इस HNO3 ने H+ को एक्सेप्ट किया तो एक्चुअल में दिस एसिड एक्टेड एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। ये एक ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह एक्ट किया क्योंकि इसने H+ को एक्सेप्ट किया। अब देखिए, O के H+ एक्सेप्ट करते ही O पे चार्ज आएगा प्लस, जिससे NO का ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन O के पास चले जाएंगे ताकि O क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज। ये OH और ये H मिलके क्या बनेगा, वाटर बनेगा। दिस एंटिटी, ये जो एंटिटी है ये बनेगी NO2+। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो दिस विल बी NO2+। और यहाँ पे ये जो स्पीसी पूरी की पूरी बची, इस स्पीसी को बोलेंगे HSO4-। ये जो NO2+ बचा है, इस NO2+ का नाम होता है नाइट्रोनियम आयन। इट इज नोन एज नाइट्रोनियम आयन। अब बेंजीन की रिएक्शन एक्चुअल में किससे होती है, नाइट्रोनियम आयन से। तो ओवरऑल समझिए, HNO3 और H2SO4 इफेक्टिवली मिलकर क्या निकालते हैं, नाइट्रोनियम आयन को जनरेट करते हैं, जिसको निकालना आसान इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड इस HNO3 को प्रोटोनेट करता है, जिससे H2O निकल जाता है जल्दी से और यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है। यानी वाई मिक्स्ड एसिड इज प्रेफर्ड ओवर ओनली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, क्योंकि H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पे इसको H मिलेगा, वाटर निकलेगा और NO2+ ईजिली जनरेट होगा। जहाँ तक इसके मैकेनिज्म का सवाल है, इसका मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है जैसा बाकी सब रिएक्शंस में हमने किया, फ्रिडलग्राफ रिएक्शंस में हमने किया। तो दिस इज़ बेंजीन, यहाँ पे अपने पास NO2+ है, बेंजीन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर NO2+ को दिया, जिससे इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन का हम इस NO2 के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ हमने बॉन्ड बनाया, यहाँ वैलेंसी फ्री यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो देखते हैं क्या बन जाएगा। यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू NO2 ग्रुप जुड़ने वाला है, ये जुड़ गया है NO2। यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों पॉइंट पाई बॉन्ड वैसे के वैसे रहेंगे। तो अब अगले स्टेप में हमेशा की तरह क्या होगा, इस कार्बन पे जो H प्रेजेंट है, इससे हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर दोबारा से लेंगे ताकि एरोमेटिसिटी रीगेन हो। इस H को इलेक्ट्रॉन पेयर कौन प्रोवाइड करेगा, HSO4-, जो H2SO4 का कॉन्जुकेट बेस होगा। ये कॉन्जुकेट बेस HSO4- यहाँ से H को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, जिससे यहाँ बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन पेयर वापस यहाँ आएगा और यहाँ पे एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी, जिससे फाइनली अपना आंसर आ जाएगा। तो ये जो दो स्टेप होते हैं, ये हर रिएक्शंस में कॉमन होने वाले हैं, बेंजीन की रिएक्शंस में। इन रिएक्शन में पहले एरोमेटिसिटी लूज होगी और फिर दोबारा से गेन होगी।
आइए अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। लेट अस से हमने यहाँ पे लिया नाइट्रोबेंजीन और सामने एमए, एमए का मतलब यहाँ पे माँ नहीं है, इसका मतलब है मिक्स्ड एसिड। मिक्स्ड एसिड के साथ इसको हीट करना पड़ेगा। हीट क्यों करना पड़ा, क्योंकि एनओ टू जो होता है ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है। और आप सभी को ये बात पता है कि जो भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं या तो वो रिएक्शन करते नहीं, लेकिन अगर करते हैं तो मेटा पोजिशन पर प्रेफर करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो भी है वो कहाँ पर आए, मेटा पोजिशन पर आए। अब नाइट्रेशन इतना फास्ट होता है कि यहाँ पर रिएक्शन एनओ टू होने के बावजूद पॉसिबल होती है। तो इस एनओ टू के रिस्पेक्ट में मेटा पोजिशन ये है और एक ये पोजिशन है। तो आइदर ऑफ दीज पोजिशन, किसी भी एक पोजिशन पे आप किसको प्लेस कर देंगे, एनओ टू को प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आपने एनओ टू को प्लेस कर दिया और यहाँ पे एनओ टू ऑलरेडी पहले से ही था। इस तरीके से 1,3-डाइनाइट्रोबेंजीन इज द आंसर। तो आपने देखा स्ट्रांगली डीएक्टिवेट होने के बावजूद भी नाइट्रेशन हो जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी फास्ट। अगले एग्जाम्पल में हमने लिया है क्यूमीन को, वी हैव टेकन क्यूमीन। अब क्यूमीन में आप इस ग्रुप को देखिए, ये ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुकेशन दैट इज प्लस एच एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। इसके कारण रिंग एक्टिवेट होती है और जो भी ग्रुप्स एक्टिवेटिंग होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी जो एनओ टू जुड़ेगा वो या तो यहाँ जुड़ेगा या यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। दोनों पोजिशन पर एक टाइम पे वो कभी कभी आता है, नॉर्मली नहीं आता है। तो यहाँ पे हम एनओ टू एक बार लगाएंगे पैरा पोजिशन पे, आइसोप्रोपाइल को कुछ नहीं होगा, प्लस इसी का ऑर्थो आइसोमर भी बनेगा। अगर इन दोनों में मेजर की बात करें तो पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर, क्योंकि ऑर्थो में क्या होंगी, रिपल्शंस होंगी। अगला एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। ये जो मॉलिक्यूल होता है दिस इज नोन एज टॉलवीन। टॉलवीन की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, मिक्स एसिड के साथ एट हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आप देखिए बहुत हाई है, तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो या तो ऑर्थो पे या पैरा पे एक एनओ टू आ जाएगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे तीनों पोजीशंस पे एनओ टू ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्पीसी बन जाती है, ये मिथाइल, यहाँ पर एक एनओ टू आता है, एक एनओ टू यहाँ पर आता है और एक एनओ टू यहाँ पर आता है। ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल तैयार हो गया इसको हम बोलेंगे TNT, दैट इज़ ट्राई नाइट्रो टॉलवीन, ये इसका पूरा नाम है। क्यों इसका TNT नाम आया, ये इसका कॉमन नेम है, तीन इसमें NO2 हैं तो इसको बोलेंगे ट्राई नाइट्रो। और यहाँ पे ये जो मिथाइल के साथ बेंजीन है दिस इज़ नोन एज टॉलवीन, तो इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रो टॉलवीन। अगर इसका IUPAC नेम देखें तो इसका IUPAC नेम आएगा कुछ ऐसा, इसकी नंबरिंग हम कुछ इस तरीके से करेंगे जिससे इसका नाम आएगा 246 ट्राई नाइट्रो टॉलवीन। तो इसको TNT के फॉर्म में इसके नाम से बहुत जाना जाता है। TNT जो होता है इट इज़ एन एक्सप्लोजिव, ये एक एक्सप्लोजिव होता है, तो हैंस इट इज़ वेरी वेरी फेमस, है ना। तो अब देखते हैं, आइए देखते हैं इसका एक 3D मॉडल, है ना, वो देखते हैं कि 3D मॉडल में एग्जैक्टली TNT कैसा है। तो इस TNT से आप कंपेयर कीजिएगा, तो दिस इज़ द 3D मॉडल ऑफ ट्राई नाइट्रो टॉलवीन। तो देखिए इसके अंदर जो ये ब्लैक कलर्ड आपको एटम दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लैक कलर्ड एटम सारे के सारे कार्बन हैं, ये बेंजीन रिंग आपको दिखाई दे रही है, ये जो ग्रे कलर्ड है ये सारे के सारे हाइड्रोजन है। तो ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ मिथाइल, ये जो ब्लू कलर्ड एटम है दिस इज़ एक्चुअली नाइट्रोजन, ये रेड जो है ये दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीजन है। सिमिलरली यहाँ पे भी N है, ये दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे N है और ये दो ऑक्सीजन है। इससे आपको एग्जैक्टली फील आई होगी कि जो ट्राई नाइट्रो टॉलवीन है वो कैसा होता है। दिस इज़ द 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप्स प्लेस्ड हैं। आइए अब देखते हैं फिनॉल का नाइट्रेशन कैसे होता है, क्या उसके अंदर होता है। तो देखिए दिस इज़ फिनॉल, फिनॉल के अंदर अगर हम क्या डालते हैं, मिक्स्ड एसिड डालते हैं, तो ऐसे केस में इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पे डोनेट करता है तो ये रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। तो एक तो NO2 प्लस यानी नाइट्रेशन की रिएक्टिविटी वैसे ही ज़्यादा होती है, ऊपर से फिनॉल जो होता है इसकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी ऑटोमेटिकली ये जो फिनॉल होता है इसकी तीनों पोजिशंस पे, ऑर्थो दो ऑर्थो और एक पैरा पोजिशन पे क्या आ जाता है, NO2 ग्रुप आ जाता है। यानी एक NO2 ग्रुप यहाँ आता है, एक NO2 ग्रुप यहाँ पे आता है और एक NO2 ग्रुप यहाँ पे आता है। जैसा TNT में हुआ था हाई टेम्परेचर पे, वही यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर पे पॉसिबल होता है।
तो इसका रीज़न मैंने आपको क्या बताया, इसका रीज़न है फिनॉल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिएक्टिविटी और नाइट्रेशन में NO2 प्लस की हाई रिएक्टिविटी। तो दोनों वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया है ना। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट को हम कॉमन नेम इसका जो होता है वो होता है पिक्रिक एसिड। इट इज़ नोन एज पिक्रिक एसिड बिकॉज इट इज़ हाईली एसिडिक इन नेचर। इसका जो PK वैल्यू होता है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 अकॉर्डिंग टू द बुक नोन एज पीटर साइक्स। PK वैल्यू 1 यानी कम होने का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। अब इस मेथड का एक ड्रॉबैक होता है, इस मेथड का ड्रॉबैक ये होता है कि इसके साथ एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी बनता है कुछ इस तरीके का, जिसका नाम होता है बेंजोक्विनोन, या NCERT में भी बात दी हुई है। जिस कारण क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट है इसकी यील्ड थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। अब मान लीजिए हमको फिनॉल में मोनोनाइट्रो प्रोडक्ट बनाना है, मतलब मुझे एक ही NO2 चाहिए। अगर मुझे एक ही NO2 इसमें चाहिए तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसमें एक ही NO2 चाहिए तो मुझे रिएक्शन का रेट थोड़ा कम करना होगा है ना। अब रिएक्शन का रेट कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की बजाय क्या लेंगे, वी विल टेक डाइल्यूट HNO3। हम लेंगे डाइल्यूट HNO3, जिससे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंट्रोल्ड हो जाएगी। और यहाँ पे मोनोनाइट्रो प्रोडक्ट इज फॉर्म, यानी ट्राई नाइट्रो की बजाय अगर आपको मोनोनाइट्रो चाहिए तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड की बजाय डाइल्यूट HNO3 लेना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं स्पेशल केस ऑफ एनिलीन। तो दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज़ नोन एज एनिलीन। एनिलीन के अंदर अगर हम मिक्स एसिड डालते हैं तो ऐसे केस में NH2 में होना क्या चाहिए भाई, NH2 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशन पर NO2 आएगा। पैरा पोजिशन पर जब NO2 आएगा तो इसका परसेंटेज आता है अप्रॉक्सीमेटली 51%। और इसमें मेटा प्रोडक्ट भी काफ़ी सिग्निफिकेंट आता है, जो NH2 के हिसाब से आना नहीं चाहिए था। यानी द क्वेश्चन इज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनिलीन के केस में वाई मेटा प्रोडक्ट इज़ सो मच सिग्निफिकेंट, मेटा प्रोडक्ट इतना अधिक क्यों बनता है। तो देखिए उसका रीज़न वही है, इसका रीज़न सेम है जो एल्केलेशन एसाइलेशन में प्रॉब्लम करता है। इट इज़ द बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन। यहाँ पे एसिड प्रेजेंट है तो एसिड की प्रेजेंस में एन अपना लोन पेयर एच प्लस को डोनेट करता है। एन अपना लोन पेयर जैसे ही एच प्लस को डोनेट करता है ये कन्वर्ट हो जाता है NH3+ में, और NH3+ जो होता है व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एक्चुअली एनिलीनियम आयन। ये एनिलीनियम आयन जो होता है इट इज़ हाईली डीएक्टिवेटेड, क्योंकि NH3+ का माइनस आई यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर बहुत ज़्यादा होता है। और जो भी डीएक्टिवेटिंग होते हैं ऑल ऑफ देम डीएक्टिवेटिंग आर मेटा डायरेक्टिंग, वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टर होते हैं। तो इस NH3+ यानी एनिलीनियम के होने की वजह से ऐसा हो गया। आइए लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। तो देखिए सबसे पहले हमने जाना नाइट्रेशन करने का मतलब है बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन। ये करने के लिए हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जनरली वो मिक्स्ड एसिड लेते हैं जिसके अंदर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ H2SO4 भी लेते हैं। इससे क्या होता है, HNO3 से वाटर जल्दी निकलता है और नाइट्रोनेमाइन ईजिली जनरेट होता है। उसके स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जो होते आए हैं लगातार। उसके बाद हमने देखा कि अगर NO2 इसमें जुड़ा है तो भी रिएक्शन हो जाएगी, माना टेम्परेचर की थोड़ी हाई रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके अलावा हमने देखा टॉलुइन में हाई टेम्परेचर पे एक एक्सप्लोजिव फॉर्मेशन हो सकता है विच इज़ TNT। फिर हमने इसका 3D मॉडल देखा कि कैसे TNT का स्ट्रक्चर होता है। फिर हमने देखा फिनॉल के नाइट्रेशन में क्या क्या खास बात है, पिक्रिक एसिड कैसे बन जाता है, और अगर हमें मोनोनाइट्रो प्रोडक्ट बनाना है तो क्या होता है। देन वी हैव सीन कि स्पेशल केस ऑफ एनिलीन, जिसके अंदर मेटा प्रोडक्ट इतना सिग्निफिकेंट जो बनता है वो कैसे बनता है। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई वॉन्ट ये वीडियोज़ देश के हर एक स्टूडेंट के पास पहुँचे, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। थैंक यू।